साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से लुढ़की थी। इस फिल्म से दर्शकों को ढेर सारी उम्मीदें भी थी, बावजूद इसके ये फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर गिर गई। इसके बाद से ही फ्लॉप फिल्मों को लेकर मेकर्स और लीड एक्ट्रेस बुरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, मगर सिनेमा घरों में नहीं बल्कि ओटीटी पर। तो ऐसे दर्शक जो इस फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के इंतजार में बैठे हैं, उनका ये इंतजार पूरा हो चुका है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टार और निर्देशक पुरी जगन्नाथ की इस फिल्म लाइगर ने मेकर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर दिया है। इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में स्ट्रीम किया गया है। इस फिल्म के स्ट्रीम होने की जानकारी को प्रोड्यूसर चार्मी कौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को मेकर्स हिंदी में कब और किसे रिलीज करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस वजह से फैंस भी काफी परेशान हैं। लाइगर विजय देवरकोंडा की पहली हिंदी फिल्म थी जिसे मेकर्स ने मास स्तर पर रिलीज किया था, जबकि इसी के साथ विजय देवरकोंडा ने पैन इंडिया स्तर पर अपने कदम रखे थे। वहीं अदाकारा अनन्या पांडे को भी ये पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म थी, मगर दोनों सितारों का इस फिल्म के साथ कनेक्ट बड़ी असफलता हाथ लगी। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।